ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डेमोंस्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो कम टाइम के अंदर अंदर। आपको सारे डेमोंस्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे। लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है, अगर वो 1.0 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो, या फिर आप पहले 1.0 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20-25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा, 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20-25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो और मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर्स में से, और इसमें हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के अंदर में मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं और किस तरीके से हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की चल रही है, इसके हमारे पास में एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट है जिसके अंदर में अभी 400 से ऊपर एपिसोड्स हमारे पास में हो चुके हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आप जेईई मेन 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जेईई मेन 2022 के सीजन में जितने भी वीडियोज यहाँ पे रही है उसकी अलग से भी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें हमारे पास में 50 से ज्यादा एपिसोड्स हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, जेईई मेन 2022 की प्लेलिस्ट का भी और हमारा जो ओरिजिनल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का प्लेलिस्ट है उसका भी आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ में आपको लिंक्स मिल जाएगा हमारे एक्सक्लूसिव 1.0 2.0 3.0 ट्रिक्स के कोर्सेज का, जिसमें आपको एनरोल करना है अगर आपको कम टाइम में स्कोर को इंप्रूव करना है और सारी चीजें समझनी है, रिस्क मैनेजमेंट समझना है, कितना नेगेटिव हो सकता है और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, पॉजिटिव कितना हो सकता है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, ठीक है, तुक्का मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, किसको मारना चाहिए एंड किस तरीके से मारना चाहिए, किस टाइम पे मारना चाहिए, लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से तुक्का लग रहे हैं। 3.0 कोर्स में हमारा जून अटेम्प्ट भी कवर अप हो चुका है, तो 2022 का जो जून अटेम्प्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके भी आपको जो है, अगर आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल करते हो तो 1.0 2.0 3.0 आपको तुरंत मिलेगा, तीनों के तीनों मिलेंगे आपको, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है एडमिशन ईमेल चला जाएगा एंड कोर्स के वीडियोस भी आपको जो है डिजिटली सेंड कर दिए जाएंगे और आप 20-25 घंटे में कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। एंड कल से हमारा गूगल मीट सेशंस भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें भी जो है आ सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सारे फैसिलिटीज है, आप लोग चेकआउट कर लेना, जिस भी चीज की आपको नीड हो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आपको व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके हमारे टीम को व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इन चार क्वेश्चंस हम लोग तुक्का टेक्निक्स लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं ना इस तरीके से चार्ट बना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स है, क्या है ये तुक्का ट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या, तुक्का भी होगा और ट्रिक्स भी होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास में, इसको कहते हैं हम तुक्का ट्रिक्स, तुक्का प्लस ट्रिक को हम कहते हैं तुक्का ट्रिक्स। तो किसी किसी क्वेश्चन में तुक्का लगता है, किसी किसी में ट्रिक्स लगता है,
ठीक है, और हम इन सबको मिला करके अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँ तो मेरे स्कोर 130 के रेंज में आते जेई मेन में, वहाँ से मैं 175 के रेंज में लेकर के चला गया था। इसमें मेरी कुछ सिली मिस्टेक्स भी थी, वरना 180-190 पहुँच जाता। ठीक है, तो इतने मार्क्स मैंने अपने जेई मेन में इम्प्रूव करे थे। ठीक है, और ये पहले की बात बता रहा हूँ मैं, मतलब 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और अभी रिसेंटली भी मैं आपको बताऊँ तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी अगर मैं बात कराऊँ तो हमारे 1.0, 2.0, 3.0 कोर्सेज और कॉम्बो को मिला करके हमारे 2000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें से हमारे जो जून अटैम्प्ट है उसमें अपने स्कोर को इम्प्रूव किए हैं। मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, और हमने जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। तो जेन्युइन है ये सारी चीज़ें। आप क्या होता है ना, एंड मोमेंट में आप पढ़ के इतना नंबर नहीं बढ़ा सकते जितना आप ये सारी चीज़ें करके बढ़ा सकते हो। तो अगर आप एक लिमिट में स्टक हो गए हो 100, 120, 100 वहाँ से 150, या अगर आप 180, 170 में स्टक हो वहाँ से 200 लेकर के जाना है, या आप 50-60 नंबर पे स्टक हो आपसे आपको क्वालिफाई करना है, तो इन मेथड्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन चार क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स लगा करके देखेंगे कि यार क्या हम यहाँ पर हमें किस तरीके से सही ऑप्शंस मार्क करना चाहिए। तो मैंने ना आप लोगों को कई बार बताया कि हमारे पास में अगर चार ऑप्शंस ऐसे हो, ठीक है, जेड हो, 1/z हो, ठीक है, एक्स हो, वाई हो, अगर चार ऑप्शंस इस तरीके के होते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको जेड और 1/z ये दोनों में से तुक्का लगाना है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है चार जो ऑप्शंस हमारे पास में उसमें से कोई दो ऑप्शन आपस में अगर रेसिप्रोकल हो, जैसे यहाँ पर आप देखो तो 1/16 और 16 ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो आपको सी और डी में से तुक्का लगाना है। इसके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हो जिसमें से कोई भी दो ऑप्शन आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो आपको उसमें उन दोनों में से तुक्का लगाना है। ठीक है, और सेम चीज आप यहां सेकंड क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहां पर भी आप देखोगे 1/3 और 3/1 ये दोनों भी आपस में रेसिप्रोकल है, तो आप यहां पर ए और डी में से तुक्का लगा सकते हो। बाकी 4:1 और 2:1 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, यहां 1:4 और 1 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये मेथड्स देखो आपको हमेशा सही रिजल्ट नहीं देंगे, बट 10 में से 7-8 बार आपको ये सही रिजल्ट देंगे। ठीक है ना। और हमारा काम क्या है, जैसे हम यहां पे चार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारा काम है कि चार में से कोई 2-3 सही हो जाए, है ना। तो एक आध गलत भी होगा तो जो नेगेटिव होगा उससे काफी ज्यादा हम पॉजिटिव स्कोर बूस्टअप कर लेंगे। और ये चीज आपको तभी करनी है जब आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उससे उस छोड़ने के बदले आपको ये मेथड्स को फॉलो करके अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट 80-100 नंबर 120 नंबर का करोगे तो आपके घंटा 700, 170 और 180 आएंगे। आपको अगर 170 180 चाहिए तो अटेम्प्ट तो आपके होने चाहिए ना ज्यादा। बच्चे क्या करते हैं, अटेम्प्ट 100-120 करते बोलते जेई मेन क्लियर नहीं हुआ। अरे आप कर सकते थे, आपने अटेम्प्ट कम किया। ठीक है, हाँ डेफिनेटली आप जो करे उस श्योर शॉट करे हो, लेकिन जो बाकी के बचे उसमें आप श्योर शॉट नहीं करोगे, बट फिर भी यार 30-40% आप मार्क्स उससे भी गेन कर सकते हो जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए उससे। ठीक है, सो ये हुआ। अब यहाँ पर भी ना कई बार बच्चों को लगता है कि सर ए मार्क करे या डी मार्क करे, भाई डी मार्क करो। क्यों? क्योंकि देखो न्यूमरेटर जो है बड़ा है, बी में भी, सी में भी, डी में भी, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, ऑप्शन ए में। तो चांसेस ज़्यादा हाई है न्यूमरेटर की बड़े होने की, क्योंकि तीन ऑप्शन में आपको न्यूमरेटर बड़ा वैल्यू दिया और डिनोमिनेटर में 1 दिया हुआ है ना। तीन ऑप्शन में 1 1 1 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड के नीचे, इस टू के नीचे, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 ऊपर है और 3 नीचे है, तो उसको भी आप एलिमिनेट करके आप डी मार्क कर सकते हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई चांसेस रहेगा आपका यहाँ पर सही होने का। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये तो हमारे हुए तुक्के के टेक्निक्स। यहाँ पर भी तुक्का लगेगा, इसमें ट्रिक लगेगा, इसमें तुक्का लगा देता हूँ। तो इसमें क्या एक्सट्रीम का फंडा लगता है, कई बार आपको बताया है कि सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू को काट दो। सबसे बड़ा यहाँ पर 4 है इन चारों में से, और सबसे छोटा यहाँ पर 0 है, तो बी और डी में से आप यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग बी और डी में से तुक्का लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा। ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है, और जून अटेम्प्ट जो 2022 का उसमें भी बहुत ज़्यादा ही हमारा एक्सट्रीम का फंडा काम आया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसका फायदा उठाया है। 80% तक तो बच्चे ऐसे ही ले आए, मतलब बिना कुछ पढ़े, और जो बच्चे पढ़ के गए थे वो 95-96% तक अपने स्कोर को बूस्टअप कर लिए 88-90% से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्सट्रीम का फंडा आपका बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ये मैं आपको रिपीटेडली बहुत सारे एपिसोड्स में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने ना ये वाला एक क्वेश्चन यूज किया है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके नहीं आया हूँ बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि सर तो पहले से ट्रिक लगा लेते हो फिर आके, अरे आपके सामने ऑन द स्पॉट करूंगा। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि ट्रिक लग सकता है नहीं लग सकता है, देख के समझ में आता है फिर आके आपके सामने बताता हूँ। हाँ आंसर मेरे को पता है, आंसर की वेरीफाई कर लिया, क्योंकि मतलब सॉल्व अभी करूंगा तो आंसर की कम से कम मेरे को पता हो कि हाँ वो ना आए तो मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर ठीक कर पाऊँ, तो इसलिए मेरे को आंसर पता है इसका क्या है। बट कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से वो अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अजम्पशन मेथड यूज करेंगे अपना। अजम्पशन मेथड क्या है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं जो कोर्सेज के अंदर में एनरोल्ड है। अजम्पशन मेथड हमारा क्या है, जिसमें हम कोई वैल्यूज को अज्यूम करते हैं। ठीक है, ट्रिक्स के 4-5 टाइप्स होते हैं, वो सारे मैंने कोर्स के अंदर में अच्छे से बता रखा है। अजम्पशन मेथड में क्या होता है, आप कोई वैल्यू को अज्यूम कर लो। जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a+b+c नॉट इक्वल टू 0 बोला है, तो हम कुछ और ले लेते हैं जो 0 ना हो ऐड अप करके। तो हम ले लेते हैं a को, हम ले लेते हैं लेट्स से a को, हम ले लेते हैं लेट्स से a को 0 ले लेते हैं, चलो
ठीक है। और बी को हम ले लेते हैं लेट से, बी को हम लेट से हम 2 ले लेते हैं लेट से, और सी को हम ले लेते हैं लेट से 1 ले लेते हैं। ये हमने अजम्पशन यूज किया, ये हमने वैल्यूज को अज्यूम किया है, कि आपको बात समझ में आ रही है। अब ये हमारे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 से इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो दैट मींस वी कैन यूज दिस। अब देखो क्या होता है ना, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरल क्वेश्चंस, ये बहुत सारे वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि ये एबीसी के टर्म्स में है। तो एबीसी का कोई स्पेसिफिक वैल्यू हम भी तो अपने दिमाग से ले सकते हैं, है ना, और उस हिसाब से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, देखो क्वेश्चन हमारा ऐसा बन जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा 0 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 3, है ना, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, समझ रहे हो, ये हो जाएगा 2b मतलब 4, ये हो जाएगा हमारा b माइनस सी माइनस a, b माइनस सी माइनस a मतलब कि ये हो जाएगा 1, 2b आ जाएगा हमारा 4, फिर 2c आ जाएगा हमारा 2, 2c आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b आ जाएगा माइनस 1। तो ये कुल मिला के ये बन गया, समझ रहे हो, ये LHS है। इसको सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है सॉल्व करना। तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस 3 इंटू, है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा माइनस 1 और माइनस 8, माइनस 9 हो जाएगा ये, ठीक है, है ना। इसको रखेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस 1 और माइनस 8 तो माइनस 9 हो जाएगा, और ये दोनों के लिए तो 0 ही आएगा, तो ये कुल मिला के हो गया 27। तो ये हमारा LHS कितना हो गया, 27 हो गया, समझ लो LHS कितना हो गया, 27 हो गया। तो 27 इक्वल टू RHS, RHS देखो क्या है, RHS में a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ गया, है ना, फिर यहां पर आ गया x प्लस 3, x प्लस 3 और पावर में आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 9, है ना, तो कुल मिला के x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, लेकिन हमको तो x बोला था नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यूज हम लेट नहीं कर सकते हैं, हमको कोई और वैल्यूज लेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारा जो मेथड है वो यहां पर अभी अभी फेल हो गया, कोई और वैल्यू लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर 1, 2, 3 ले लेते हैं, a को ले लेते हैं 1, बी को ले लेते हैं 2 और सी को ले लेते हैं 3, ये वैल्यू लेट करके देख लो, ठीक है। तो ये वैल्यू लेट करेंगे तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें पुट करते हैं फटाफट से। तो यहां पर आ जाएगा 1, 2, 3, अगर हम पुट करेंगे तो 1, 2, 3, तो a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, ये आ जाएगा आपका माइनस 4, ठीक है। फिर 2a की वैल्यू आ जाएगी 2, 2a की वैल्यू आ जाएगी 2, 2b की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 4, बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए आ जाएगा माइनस 2, 2b की वैल्यू आ जाएगी 4, 2c की वैल्यू आ जाएगी 6, 2c की वैल्यू आ जाएगी 6, और फिर यहां पर c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी आ जाएगा आपका 0, ठीक है ना, c माइनस ए माइनस बी आ जाएगा आपका 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप लोग इस डिटर्मिनेंट को। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, माइनस 4 को रखोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 माइनस 24, तो ये आ जाएगा माइनस 24। फिर सेकंड वाले टर्म में माइनस साइन आता है तो माइनस 2 को रखोगे, है ना, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो 0 माइनस अगेन 24 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये वापस से हमारा दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा वापस से 24, ठीक है, माइनस 24, राइट। और फिर तीसरे वाला प्लस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 6 2 जा 12, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आई होप आपको ये बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता हो, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो फिर तो यार गड़बड़ है ना, तो फिर दिक्कत है, मतलब 0 से आप हीरो नहीं बन सकते हो, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 24 इंटू 4 आ जाएगा 96, ये हो जाएगा हमारा प्लस 48, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 72, तो 72 प्लस 48 मतलब कि 70 प्लस 50, है ना, 70 प्लस 50 120 प्लस 96, दिस विल बी 206, ये हमको मिल गया कितना, 206 मिल गया, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो LHS हमारा आ गया 206, RHS क्या है, RHS ये है, तो 206 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, 6 आ जाएगा 6, और यहां पर आ जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 206 by 6, ये भी 36 ही हो जाएगा क्या, 36 into 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 18 19 20, नहीं 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 नहीं, ये आएगा 2 3 जा, ये आएगा 103, 103 इक्वल टू 3 x प्लस 6 का होल स्क्वायर, 103 by 3, ठीक है। तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू आ रही है, ये 216 तो नहीं है कहीं, 70 और 50 कितना होता है, 120 और 96 है ये, तो हाँ 216 ही तो है ये,
216 ही है ये वापस से वही आ गया यार, 216 है ये वापस से, x की वैल्यू जीरो आ गई। ये भी काम नहीं किया यार, ठीक है, ये भी काम नहीं किया, आपके सामने कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, ये भी काम हमारे पास में नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x x को हम पहले फिक्स कर दें क्या, x को हम पहले ही अगर फिक्स कर दें तो कुछ हो सकता है क्या, x को अगर हम पहले से ही फिक्स कर दें, नहीं यार, एक बार और कोई और वैल्यू लेके मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मैं आपके सामने एक पेपर ले लेता हूँ, ठीक है, पेपर तो भरपूर मिलता है जेई मेन में, कुछ और वैल्यूज लेके मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। एक काम करता हूँ, a को ले लेता हूँ -1, ठीक है, और b को ले लेता हूँ मैं लेट से 0, ठीक है, और c को ले लेता हूँ मैं लेट से 3 ले लेता हूँ, ठीक है, लेट से ये रैंडम वैल्यूज मैंने लिया। अब इसके हिसाब से डिटर्मिनेंट बनाऊंगा मैं, तो a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी विल बी -4, 2a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -2, यहाँ पर आ जाएगी -2, फिर दिस विल बी 2b की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 2b की वैल्यू 0 हो जाएगी, बी माइनस सी माइनस ए विल बी -3 -1 -2 हो जाएगा ये, ठीक है, फिर ये आ जाएगा 2c की वैल्यू 6, 2c की वैल्यू 6, और यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी, माइनस बी, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, 3 माइनस ऑफ माइनस वन विल बी 4। इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं, तो -4 को रखेंगे, सो दिस इंटू दिस विल बी -8, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा +2, फिर यहाँ पर आएगा दिस इंटू दिस माइनस, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे -2, फिर दिस इंटू दिस माइनस, ये आ जाएगा +12, ठीक है, तो ये कुल मिला के आ गया आपका 8 4 32, और ये आ गया आपका -24, ये कुल मिला के आपका 12 आ रहा है, दिस इज कमिंग एज 12 इन ऑप्शंस को लेने के बाद में, ठीक है, ओके, सो LHS अगर 12 आ रहा है तो RHS में क्या है, a प्लस बी प्लस सी हमारी 2 है, और यहां पर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा ये, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 6 आ जाएगा, है ना, 12 इक्वल टू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 6 इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर हमारा ये आ रहा है, ठीक है, ये हमारा आ रहा है। हमको चाहिए क्या, x की वैल्यू ही तो चाहिए अल्टीमेटली, x की हमको यहाँ पर वैल्यू ही तो चाहिए, तो x की वैल्यू एक काम करते हैं, ऑप्शंस को भी चेंज करते हैं इन टर्म्स में, तो अगर हम ऑप्शंस को चेंज करेंगे तो आप देखो a प्लस बी प्लस सी क्या है, 2 है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा -2, दूसरा ऑप्शन बन जाएगा -2 × 2 -4, तीसरा ऑप्शन बन जाएगा 4, और चौथा ऑप्शन बन जाएगा -0, चौथा ऑप्शन 0 बन जाएगा, एबीसी प्रोडक्ट करोगे तो 0 बन जाएगा यहाँ पे। अब आप कंपेयर करो x की वैल्यू क्या डालोगे यहाँ पर जो ये बन जाए, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप पहला ऑप्शन डालोगे -2 यहाँ पे, तो ये तो 0 बन जाएगा, LHS RHS सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा ऑप्शन अगर आप डालोगे -4, तो -4 प्लस 2 हमको क्या देगा, -4 प्लस 2 हमको -2 का स्क्वायर देगा, वो तो 4 देगा हमको, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कुछ हमने कैलकुलेशंस मिस्टेक करी है क्या कहीं पे, कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक, एक बार मैं वापस से चेक करता हूँ, बट आई थिंक नाउ वी आर क्लोज टू द आंसर। अब वापस से चेक करता हूँ, मैंने वैल्यूज लिए -1 0 एंड 3, ठीक है, और मैंने डिटर्मिनेंट जो बनाया क्या वो सही है, डिटर्मिनेंट a माइनस बी माइनस सी था, तो a माइनस बी माइनस सी विल बी -4, 2a की वैल्यू आ जाएगी -2 -2, 2b की वैल्यू आ जाएगी 0 0, b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए विल बी -3 प्लस 1 -2, करेक्ट है, c की वैल्यू 6 6 आ जाएगी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी विल बी 4, करेक्ट है। सॉल्विंग देख लेते हैं एक बार, तो -4 को रखेंगे, दिस इंटू दिस विल बी -8, सही है, 8 4 32, अच्छा ये 32 आएगा यार, दिस विल बी 32, 32 माइनस 24 इज 8, सो दिस इज 8, अरे यार फिर से नहीं हुआ, दिस इज 8, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो आ गया 4 यार, ये तो आ गया 4, है ना, ओ अरे हम कर दिए, सही हो गया हो गया हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x को अगर हम -4 रखेंगे तो आ जाएगा ना, x को -4 रखेंगे तो -4 प्लस 2 -2 का स्क्वायर 4 आ ही जाएगा, तो आंसर तो आ ही गया अभी, अरे यार आई थिंक पहले भी हो गया था, पहले भी हो गया था यार, मेरे को लग रहा है, सबसे पहले वाला केस देखते हैं, सबसे फर्स्ट वाला केस हमने क्या किया था, देखो सबसे फर्स्ट केस हमने ये लिया था, है ना, 0 2 1, जहाँ पे ये 27 आया था, राइट, फिर ये 27 ये यहाँ पे हमने किया था, 27 वाला यहाँ पे किया था, है ना, ये वाला किया था, सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, हो गया था आंसर, पहले ही आ गया था मेरे को लग रहा है, यहाँ पे क्या आया था, 27 इक्वल टू 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर आया था, येस और नो, तो 9 इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर आया था, येस और नो,
तो यार यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहे हैं ना, एक x इक्वल टू जीरो भी आ रहा है और x इक्वल टू माइनस सिक्स भी आ रहा है. वी आर गेटिंग टू वैल्यूज फ्रॉम हियर, x इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू माइनस सिक्स. क्योंकि माइनस सिक्स डालोगे तो माइनस सिक्स प्लस थ्री, माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर विल बी अगेन नाइन. तो दो वैल्यू आ रही है क्वाड्रेटिक के, दो वैल्यू आ रहे हैं. मैंने गलती कर दी ये सोच के कि x की वैल्यू जीरो आ रही है, हमको यहाँ पे मना किया है जीरो लेने, बट नहीं, दो वैल्यूज आ रहे हैं ना, माइनस सिक्स भी तो आ रहा है, बाहर में जाने दो जीरो को, फोकस ऑन माइनस सिक्स, राइट. Now if we put the values here in the option B, if we add these three, we'll get 3. 2 plus 1 plus 0 is 3. 3 into 2 is 6 and with a minus sign, this is minus 6 for the first case जो हमने लिया था. सबसे पहला case जो हमने लिया था, उसके according ये minus 6 आएगा. And satisfy हो रहा है, answer आ रहा है, B is the correct answer. ठीक है, B is the correct answer. हमको इतना करना ही नहीं था, हमको यहीं पर देखना था कि x की सिर्फ जीरो नहीं आ रही है वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है. हमने पहला किया, दूसरा किया, दूसरे में भी हो गया था, दूसरे में भी दो वैल्यू आ रही थी. यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पर भी तो x की दो वैल्यू आएगी ना, है ना. ये आएगा हमारा 36 इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 6, 36 इक्वल टू ये आएगा हमारे पास में x प्लस 6 का होल स्क्वायर. तो यहाँ x की दो वैल्यू आएगी ना, एक जीरो आएगा और एक माइनस 12 भी तो आएगा. ठीक है, सो इफ वी पुट दीज वैल्यूज 3 प्लस 2 प्लस 1 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस साइन, तो माइनस 12 आएगा ना. सो फर्स्ट जो हमने लिया उससे भी सॉल्व हो रहा है, सेकंड से भी सॉल्व हो रहा है, जो हमने थर्ड लेके देखा उससे भी सॉल्व हो रहा है. द ओनली थिंग इज कि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि x की दो वैल्यू आ रही है, मेरे को लगा कि x की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है जीरो, बट माइनस सिक्स भी तो एक वैल्यू है ना. समझ गए बात आप. तो कुल मिला के हमने यहाँ पर क्या करा, अजम्पशन मेथड को यूज करा, और अजम्पशन मेथड को मैंने हमारा फॉलो हुआ हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन से, और हमने बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ एक ऑप्शन हमारा बचा, ऑप्शन बी. समझ रहे हो बात को, इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड. ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा क्या टाइम लगा है, 10 मिनट लगा होगा, बट ये 10 मिनट मेरे को साथ में बोलते बोलते एक्सप्लेन करते करते लगा. जब आप खुद से करोगे ना, बिना बात किए, बिना एक्सप्लेन किए, है ना, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आप 4-5 मिनट में कर लोगे मैक्सिमम, बता रहा हूँ मैं आपको. यहाँ पर मैं एक्सप्लेन किया, इतना आपको बोला, कर करके दिखाया सुंदर सुंदर से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इतना टाइम आपको नहीं लगता, आप 4-5 मिनट में कर सकते हो. ठीक है ना. और एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि एग्जाम में तो 2 मिनट ही होता है, 2.5 मिनट ही होता है. नहीं यार, वो टॉपर्स के लिए होता है, 2 मिनट 2.5 मिनट एग्जाम में आपके टॉपर्स के लिए होता है. आपका कितना क्वेश्चन आता है, 75 क्वेश्चन आता है ना, और कितने टाइम रहता है आपके पास में, 180 मिनट्स रहता है. ठीक है, और इस 75 में से भी आप न्यूमेरिकल टाइप कितने ही करते हो आपको पता है, मोस्टली तो सिंगल करेक्ट 60 होता है. ठीक है, 75 को भी आप ले लोगे तो आपके पास में 2.5 मिनट के आसपास है, बट एक एवरेज बच्चा तो 40-50% पेपर ही करता है. ठीक है, तो आपके पास में 2.5 मिनट नहीं रहता, आपके पास में 3.5-4 मिनट आराम से रहता है. कोई टॉपर है जो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, देख नहीं रहा, सॉल्व कर रहा है, उसके लिए मैं कह सकता हूँ टाइम कंस्ट्रेंट है. और आप उस लेवल पे होगे तो ये सब क्वेश्चन आप वैसे ही उड़ा दोगे. समझ रहे हो बात, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो कई बार जुगाड़ करते वक्त थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, 10 मिनट लग सकते हैं, एक्सप्लेन करने में मेरे को लग सकता है, बट आपको ये समझना है कि एक्सप्लेन करने में सर को इतना टाइम लगा है, सॉल्व करोगे जब आप खुद से तो आपको इसका आधा टाइम लगेगा. और सॉल्व तो खैर हो ही गया था, हल्का सा मेरी गलती थी, मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं हुआ कि यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज है. ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके 2-2.5 मिनट में सॉल्व हो गया था, पूरा ट्रिक से ही हो गया था. ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक से हुआ, बाकी हमारा तुक्के से हुआ. इसका आंसर हमारे पास में बी है. बाकी के करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट का करेक्ट आंसर सी दिया हुआ है, सेकंड का डी दिया हुआ है, सी डी, थर्ड का बी, एंड फोर्थ का हमारे पास में बी, फोर्थ का भी हमारे पास में बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये जो करेक्ट आंसर है ये आंसर की बुक में दिए हुए हैं, आप वेरीफाई कर लेना सॉल्व करके. थोड़ा बहुत कभी कभी बुक में आंसर की गलत रहता है, देयर माइट बी अ चांस, बट मोस्टली सही रहता है. तो मैंने ये सब सॉल्व करके नहीं देखा है, बुक में जो आंसर की था वही मैं आके आपको बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया, एंड आप लोगों को मज़ा भी आया होगा क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ज़्यादा. ये आप सबके सही हुए होंगे, बाकी 3 में से आपके एक तो मिनिमम सही हो ही गए होंगे, बहुत सारे बच्चों के 2 भी सही हो गए होंगे. तो बताना मेरे को यार 4 में से आपके कितने सही हुए, 2 हुए सही, 3 हुए सही, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी. कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना. एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आपको जो अजम्पशन मेथड का ट्रिक जो है वो कैसा लगा मेरे को जरूर से बताना. एंड अगर आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पसंद आ रहे हैं, यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट से आपको फायदा मिल रहा है, और अगर आप 2022 का एग्जाम देने जा रहे हो जेईई मेन का, तो आप जरूर से एक्सक्लूसिव कोर्स में फायदा उठा सकते हो. अगर आपको यहाँ बातें समझ में आ रही है तो वहाँ आपका बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा, एंड बहुत अच्छे से आपका जो है इंप्रूवमेंट जो हो जाएगा सेकंड अटेम्प्ट के पहले पहले. ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है. तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके. बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए. बने रहिए यार.